بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم جانا ہی جب یاد نہ رہا تو آنا بھی ناکام گیا جانے سے مراد دنیا تو چلے جانا موت نال ہم کنار ہو جانا جانا ہی جب یاد نہ رہا تو آنا بھی ناکام گیا جانے والا جائے گا صبح گیا یا شام گیا تو خاک سے پیدا ہوا ہے اور خاک میں مل جائے گا تو خاک سے پیدا ہوا ہے اور خاک میں مل جائے گا ہے انجام وہی تیرا جو تیرا آغاز ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی ہر قسم دی تنہائی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک واسطے
अनगिनत ला तादाद बेशमार बेहद्दो हिसाब दुरूद व सलाम आकाए दो जहां इमामुल अंबिया खातमुल अंबिया हबीब खुदा अहमद मुजतबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम वास्ते अजीज सामईन गरामी कदर बुजुर्गो अजीज भाइयो वाजिबुल एहतराम मुअज्जदात मुवक्करात मुकर्रमात इस्लामी माओं और बहनों, दुआ है अल्लाह करीम अपनी ख़ास रज़ा रहमत नाल इन जुमातुल मुबारक दे बाबरकत बासआदत और रमज़ानुल मुबारक दे इस अलविदाई खुतबा जुमातुल मुबारक अंदर मेरा और तुआडा सबना दा बर वक्त मस्जिद के अंदर हाजिर होना अल्लाह अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। प्यारे भाइयों रमज़ानुल मुबारक दा महीना बड़ी तेजी दे नाल साढ़े तो जुदा हो गया, सिर्फ चार पांच घंटे रमज़ानुल मुबारक दे बरकतां वाले लम्हात दे बकाया ने। दुआ फरमाओ कि इस पूरे महीने के अंदर असी जो भी इबादत कीतियां ने रोज़े रखे ने कुरान की तिलावत की है और सदकातो खिरात जिक्र अजकार दरसो तदरीस के मामलात असी सब ने किते ने अल्लाह करीम साडा हर अमल अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए और इन नेकियां और इबादत के दौरान साढ़े को जो कमियां कोताहियां होइयां ने अल्लाह अपनी रहमत नाल दरगुजर फरमाए और ये रमज़ान मुबारक का महीना साढ़े तो रुखसत हो रहा है तो आइंदा साल पता नहीं किस किस नूं ये महीना नसीब होना या नहीं होना। जिवें शेख साहब फरमा रहे सन कि इस मस्जिद के नमाजी ए मंगल वाले दिन ही अफजल साहब अल्लाह के हजूर पहुँच गए तो पता नहीं साढ़े चो भी किने किने अगले साल होना या नहीं होना। तो अल्लाह को दुआ कर लो कि या अल्लाह ए जेड़े चंद घंटे बकाया रह गए रमज़ान दे इस साल दे या अल्लाह इन चंद घंटिया के अंदर ही साड़ी मुकम्मल मगफरत फरमा दे या अल्लाह सानू जहन्नम तो आज़ादी दा परवाना अता फरमा दे। अगरचे साढ़े अमाल इस काबल नहीं अगरचे असी रमज़ान दा हक नहीं अदा कर सके इबादत करने दा या अल्लाह तू बड़ा गफूर रहीम है या अल्लाह तू ते बहाने तलाश करना है या अल्लाह ए जितने तेरे बंदे तेरिया बंदियां छोटे बड़े मर्द औरतां जवान बूढ़े तेरे घर के अंदर हाजिर ने या अल्लाह सानू सारिया नू मुआफ़ करके जन्नत अंदर अपने नबी दे नाल कठिया फरमा दे। मैं आज रमज़ानुल मुबारक दे इस अलविदाई खुतबे दे अंदर अर्ज़ करना है कि मरने के बाद क्या होगा। प्यारे भाइयों मरना तो हर बंदे ने है, भावें इंसान 100 साल जी ले या कम या थोड़ा जी ले हर बंदे ते ये मौत दा पैगाम आना ही आना है। कोई बंदा मौत को ना बच सकिया ना बच सकेगा। अल्लाह ने कुरान मजीद अंदर इस वास्ते इरशाद फरमाया
फरमाया वमा जअलना लिबशरिम मिन क़ब्लिकल खुल्द अफ़इन मित्ता फ़हुमुल ख़ालिदून। अल्लाह कहंदे ने ए मेरे प्यारे पैगंबर ए मेरे नबियां दे इमाम पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी तुहाडे तो पहले जितने भी बशर इस कायनात अंदर आए जितने भी इंसान इस दुनिया ते आए ने कोई भी ऐसा इंसान नहीं आया कि जिनू असी हमेशा हमेश दी जिंदगी अता कीती होए किसे नू भी असी हमेशा हमेश वास्ते दुनिया ते रहना नहीं अता कीता। मेरे वीर तवज्जो करना अगर इस कायनात अंदर कोई ऐसी हस्ती है ऐसी कि जिनू अल्लाह हमेशा हमेश दी जिंदगी अता कर दे ते मेरे भाईओ मेरे तेरे महबूब प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शख्सियत ऐसी थी कि जिन्होंने अल्लाह हमेशा हमेश दी जिंदगी अता कर दे पर मेरे वीरे अल्लाह करीम दा साबता अल्लाह करीम दा बनाया होया कानून के मिन कबलिकल खुल्द के कोई भी इंसान आया एक दिन दुनिया ते आया एक दिन उन्हें दुनिया तो चले जाना अल्लाह फरमाया आफा इमिता फाहुमुल खालिदोन। ए मेरे नबी जी अगर तुहाडे ते मौत आ गई अगर तुसी भी मौत वाला जाम पी करके दुनिया तो चले जाओगे ते ए जड़े तुहाडे मुखालफीन ने तुहाडियां मुखालफतां करन वाले क्या एक हमेशा हमेश वास्ते दुनिया ते जिंदा रहेंगे। अल्लाह करीम ने इस्तफहा में इनकारी बयान किया गए इस जुमले अंदर इनकार मौजूद है कि नहीं नहीं हर बंदा हत्ता के प्यारे नबी भी दुनिया तो चले गए और प्यारे नबी दे मुखालफीन भी दुनिया तो चले गए ते मेरे वीर एक वक्त आना है कि मैं तुसी भी इस दुनिया तो चले जाना है। किसे अरबी दे शायर ने बड़ा ही प्यारा जुमला लिखिया कहना उन्हें क्या के अला या अयुगल या अयुगल अला या साकिनल कसरिल मुअल्ला सतुदफनु अन करीबिल फितराबी के ओ बुलंदो बाला महल्ला तम रहन वाले हो ओ बड़िया बड़िया कोठियां ते बिल्डिंगा ते बड़े बड़े महल्ला दे मकीनों जनाब ऐसिया ऐसिया बिल्डिंगा बना लिया ऐसिया बुलंदो बाला इमारतां बना लिया कि जेड़िया इमारतां गिरने दा नाम नहीं लेंदिया। मगर मेरे वीरो याद रखो जितनिया मर्जी मजबूत इमारतां बना लो चूना घट कर लवो जनाब पत्थर दे नाल सजा लो एक वक्त एहो जिहा आएगा कि कयामत दा सलसला इन्हां सारियां इमारतां नूं इको झटके अंदर जमीन बोस कर देवेगा। फरमाया इन इमारतां दे अंदर रहने वालो मखमल दे बिस्तरियां ते सोण वाले हो याद रखो कदी सोचिया नहीं कदी गौर नहीं कीता कि एक वक्त एहो जिहा आएगा कि सत दफा करीबिल फित
तोराबी जे आन करीब हो जा वक्त आ जाएगा कि तुहानू तुहाडे महल्ला अंदरों उठा करके तुहाडियां कोठियां ते बिल्डिंगां चो उठा करके नरमो नाजक बेडरूम तो उठा करके मना मट्टी हेठ दफन कर दिता जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ओ मेरे वीरियो ये भी किस्मत दी बात है कि मरने तो बाद मैनू तेनू मट्टी भी नसीब हो जाए, मरने तो बाद मैनू तेनू कफन नसीब हो जाए, वरना कई लाशां ते कई मैयतां एवें जंगलां विच रुलदियां रह जांदियां ने, कई पानी अंदर पानी नाल पानी बन जांदियां ने, कई लाशां जनाब जानवरां ते दरिंदियां ते परिंदियां दा लुकमा बन जांदियां ने। मेरे वीर मरण तो बाद कफन भी मिल जाए ते ये भी नसीबे दी बात है। मरण तो बाद बंदे नूं कबर मिल जाए ते ये भी नसीबे दी बात है। फरमाया अला या साकिन अल कसर अल मुअल्ला सतो दफनु अन करीब फितराबी। अन करीब मट्टी अंदर दफन कर दिता जाएगा। फिर शायर कहता है कि हर रोज आवाज लगाने वाला एक फरिश्ता आवाज लगा करके कहता है कि ओ बंदिया ए बिल्डिंगा बनाइया ने गिरने वास्ते, पैदा होया है मरने वास्ते, एक दिन दुनिया ते आया है और एक दिन दुनिया तो चला जाएगा। मेरे वीर दुनिया दी हर चीज़ दी इब्तदा भी है ओदी इंतहा भी है। हर चीज़ हर इंसान एक दिन दुनिया ते आया, एक दिन पैदा होया, एक दिन फौत हो करके दुनिया तो चले जाएगा। मगर मरने के बाद क्या होगा, मरने के बाद जड़ी जिंदगी है यारो ओदी इब्तदा ते है ओदी इंतहा कोई नहीं। क़यामत तो बाद आने वाली जड़ी जिंदगी है ये दी इब्तदा ते है दी इंतहा कोई नहीं। इस करके वीरियो मैं मुनासब समझा कि रमजानुल मुबारक दे अलविदाई खुतबे अंदर मैं पैगाम दे देवा कि लोगो मरने के बाद क्या होगा ये दी तैयारी कर लवो। मरने तो बाद मेरे तेरे नाल की सलूक कीता जाएगा, ये दियां तैयारियां कर लवो। रमजान गुजारे आए, नेकियां अंदर गुजारे आए, अपने अल्लाह नू मनाया है कि ते इंज ना होए रमजान गुजर जाए फिर असी पहले वाली रूटीन अंदर आ करके अपने अल्लाह नू नाराज कर लईए, अपने अल्लाह दियां बगावतां कर बैठिए, अल्लाह दियां हुक्म दूलियां कर बैठिए। ना ना मेरे वीर जिवें रमजान अंदर अपने अल्लाह नू बनाया इवें आइंदा रमजान तक भी अल्लाह नू मना करके रखना है। उवें अल्लाह दियां फरमा बरदारियां करनियां ने, उवें नमाजां दी पाबंदी, उवें कुरान दियां तिलावतां, उवें बिला नागा अल्लाह दे रस्ते अंदर खर्च करना, उवें सदका तो खैरात, उवें जिक्र अज़कार करदियां रहना है, कमी नहीं आन देनी। क्योंकि मरने के बाद क्या होगा, मैनू तेनू नहीं पता कि मेरे तेरे नाल की सलूक होएगा। हुण जरा तवज्जो करदियां चले जाना। एक बंदा मर के बिस्तर ते लेटा होया, बीमारी अंदर वक्त गुजरता चला गया। भाई वालदैन औलाद ते बीवी बच्चे ये जनाब इलाज करवा करवा करके तक जांदे ने ना, जनाब इलाज करवांदियां करवांदियां कई लोगों दियां प्रॉपर्टियां बिक जांदियां ने, कईयां दे कारोबार मुक जांदे ने, पर बीमार बंदे नूं तंदरुस्ती नहीं हुंदी, बीमार बंदे नूं मरण तो कोई नहीं जे बचा सकदा। मेरे वीर सब कुछ मक मुक जाने तो बाद एक हस्ती अल्लाह नल गम कलाम हुंदी है, जिस हस्ती नूं मां कहा जांदा है। मां अल्लाह दे सामने तेलियां बुला लैंदी है, कहंदी है अल्लाह मेरी कोठी विक गई ते कुछ नहीं होया, अल्लाह मेरा सब कुछ विक गया ते कोई नहीं होया, या अल्लाह सब कुछ ले ले पर मेरे पुत्र नू बचा ले।
मेरे वीरियो मां इत्थे तक भी कह दिंदी है अपने मरदे हुए पुत्र दे सराहने खड़े हो करके मां इंज भी कह दिंदी है कि या अल्लाह मेरे पुत्र दे थाई मैनू बुला ले या अल्लाह मैनू मौत दे दे मेरे पुत्र नू बचा ले पर मेरे वीरे उस वेले मां दियां दवावां भी नहीं बचा सकणगियां उस वेले मां दियां ए हावां भी बंदे नू मरण तो नहीं बचा सकणगियां अल्लाह करीम ने कुरान मजीद अंदर नक्शा खिंच आए फरमाया कल्ला इज़ा बलगति तराकिया वकील मन राक फरमाया के जदों बंदे दी जनाब सकरात लग जांदी है मलकुल मौत सराहने करके बह जांदा है बंदे दी रूह कबज होण लगदी है सकरात लग जांदी है गले अंदर घर घर दी आवाज पैदा हो जांदी है उस वक्त दौड़ान लग जांदियां ने कोई डॉक्टर वल्ले दौड़िया जा रहा हर कोई भागदा है बुलाओ किसे डॉक्टर नूं बुलाओ इसे सर्जन नु बुलाओ इसे स्पेशलिस्ट नु बुलाओ इसे दम दरोद करन वाले नु बुलाओ मेरे वीर दौड़ा लग जांदियां ने ना अल्लाह अकबर अल्लाह पर अल्लाह दा कुरान कहंदा है वज़न अन्नुल फिराक उस वेले डॉक्टरां दियां डॉक्टरियां भी जवाब दे जांदियां ने दम दरूद करन वालेयां दे दम भी जवाब दे जांदे ने उस वेले ते जुदाइयां ही जुदाइयां पै जांदियां ने नाल वल तफातिस साक बिसाकी इला रब्बिका यौम इज़निल मसाक बंदे दे दम रुखसत हो जांदे ते पिंडली नाल पिंडली मिल जांदी है नाल मेरे भाई मरन वाले नु मरन तो कोई नहीं जे बचा सकदा ना मां दियां दवावां ना किसे दियां डॉक्टरियां जेदे ते वेला जाएगा मेरे वीरो कोई नहीं बचा सकेगा हुण जरा तवज्जो करना जरा जेड़ा बंदा आया है दुनिया तो चला जाएगा बड़े बड़े नामवर बड़े बड़े आला ओहदियां वाले बड़े बड़े शान वाले मकाम वाले दुनिया ते आए ने अज उन्हां दा नामो निशान दुनिया ते मौजूद नहीं इसे साबे दिल ने क्या खूब लिखिया है इंदा के ये सराए दहर मुसाफिरो यहाँ कोई किसी का मकाम नहीं ये सराए दहर मुसाफिरो यहाँ कोई किसी का मकाम नहीं तुझसे पहले गे बहुत गुजर देखुन का निशान भी नहीं मेरे वीर बड़े बड़े आए दुनिया तो चले गए ने ना अल्लाह अकबर अल्लाह ते मेरे वीर एक वेला आना है मैं तुसी भी दुनिया तो चले जाना है ते मरने के बाद क्या होगा अल्लाह अकबर अल्लाह मेरे तेरे महबूब प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये लोगों मोमिन बंदा नेक बंदा ये देते भी मौत आंदी है जेड़ा काफिर बंदा अल्लाह दा नाफरमान बंदा इनू भी मौत आंदी है ते पर किस अंदाज नाल मौत आंदी है प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मोमिन बंदा जदों एदी मौत दा वेला करीब आंदा है आसमाना तो फरिश्ते जमीन ते तशरीफ ले आंदे ने हद्दे निगाह फरिश्ते लाइना बना करके बह जांदे ने और आसमाना तो जमीन ते आंदियां होया अल्लाह दे फरिश्ते बेहतरीन इतरां भरिया खुशबुआं भरिया सबज रंग दा रेशमी रुमाल आसमाना तो जन्नत अंदरों लै करके आंदे ने किहदे वास्ते मोमिन बंदा
बंदे दी रूह नू लपेटन वास्ते फरमाया के जदों फरिश्ते आके बह जांदे ने ना इधरों माला कुल मौत बंदे दे सराहणे आ करके बह जांदा है सकरात लग जांदी है ते मोमिन बंदा जदों इहदी मौत दा वक्त करीब आंदा है अल्लाह दी तरफों आने वाले फरिश्ते इहनू खुशखबरियां सुणांदे ने कहंदे ने फरिश्ते कहंदे ने ए अल्लाह ते राजी हो जान वाली रो ए अपने रब ते राजी हो जान वाली मुतमइना रो हुण आ जा इरजीई हुण आ जा वापस आ जा अपने रब दी तरफ वापस आ जा इस हालत अंदर के तेरा रब तेरे ते राजी तू अपने रब ते राजी ते तेरा रब तेरे ते राजी है अल्लाह अकबर अल्लाह मेरे वीरियो फरिश्ते खुशखबरियां देंदे ने ते मेरे महबूब अलैहि सलाम ने फरमाया कि मोमिन बंदे दी रूह ये खुशखबरियां सुन करके बड़ी आसानी दे नाल ते बड़ी खुशी खुशी मोमिन दी रूह कबज हो जांदी है फरमाया मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने कि जदों एदी रूह नू कबज कीता जांदा है मोमिन बंदे दी रूह जदों ओदे जिस्म तो जुदा हुंदी है ते हर तरफ जमीन अंदर खुशबूआं फैल जांदियां ने फरिश्ते इनू मुबारक बातां पेश करदे ने ना हत्तो खत्ती इहदी रूह नू लैंदे ने ना फौरन मलाकुल मौत कोलों इहदी रूह नू लै करके ओ जन्नत दे बेहतरीन रुमाल अंदर इहदी रूह नू लपेट लिया जांदा है ना एक फरिश्ता ते दूजा फरिश्ता इवें खत्तो खत्ते दी रूह नू सत्तां आसमानां दे बाहर पहुँचा दिता जांदा है जदों इहदी रूह पहले आसमान ते पहुंचदी है आसमान दा दरवाजा खटखटाया जांदा है अंदरों आवाज आंदी है कौन दस्या जांदा है कि फलां बिन फलां आ गया है अज फलां दा बेटा फलां फौत होकर के आ गया है क्योंकि ये मोमिन बंदा है मोमिन बंदा इहदे वास्ते फरिश्ते फौरन आसमान दा दरवाजा खोल देंदे ने आसमान भी खुशबूआं दे नाल मुअत्तर हो जांदा है ते नाले फरिश्ते नूं मुबारकबादां पेश करदे ने शायर लिखदा है कहंदा के कहना मुबारकबाद फरिश्ते कहना मुबारकबाद फरिश्ते ए भले नसीबां वाला जिस दीन ईमान सलामत आंदा वाह वाह बख निराला मेरे वीर मोमन बंदे वास्ते प्रोटोकॉल ही प्रोटोकॉल है आसमान दे दरवाजे खुलदे चले जांदे ने फरिश्ते नूं मुबारकबाद पेश करदे चले जांदे ने हत्ता के सतवें आसमान ते अल्लाह दे अरश दे नीचे इल्लियीन जन्नती रूहां दा मस्कन है उत्थे जा करके दी रूह नूं दाखल कर ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਾ ਫਰਮਾਨ ਬੰਦਾ अल्लाह दा बागी बंदा अल्लाह दियां हुक्म अदूलियां करन वाला बंदा फरमाया के जदों इस काफिर बेईमान ते ना फरमान बंदे दी जदों मौत दा वेला करीब आंदा है ना आसमाना तो फरिश्ते आंदे ने ना ते जहन्नम दे विचों गंदा बदबूदार टाट लैके आंदे ने
गंदा टाट लियांदे ने दी रूह नूं कबज करन वास्ते। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जदों फरिश्ते आ करके दे सराहणे बह जांदे ने, मलकुल मौत आ करके सराहणे बह जांदा है। अल्लाह अकबर फरमाया वलौ तरा इज़ ज़ालिमूना फी गमरातिल मौती वल मलाइका तु बासितु अईदीहिम अखरिजो अल्फुसकुम अल्यौमा तुजज़ौना अज़ाबल हूनी बिमा कुंतुम तकुलून। अल्लाह कहंदे ने काश तुसी ओ मंजर वेखदे कि जदों ज़ालिमां दी मौत दा वक्त आंदा है, फरिश्ते आ करके दे वल जदों अपने खत्तां नूं फैलांदे ने कि अपनी जान निकाल के साडे हवाले कर दे, फरमाया नाले इहनूं अज़ाब दियां रसवाइयां दियां अल्लाह दियां सज़ावां दियां बशारतां दित्तियां जांदियां ने। ओ अल्लाह दिया ना फरमान बंदिया, हुण आ जा, अल्लाह दी पकड़ तेरे वास्ते तैयार है, अल्लाह दी जहन्नम तेरे वास्ते तैयार है, रुसवा कर देण वाला अज़ाब तेरे वास्ते तैयार है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जदों इस काफिर बेईमान ते नाफरमान बंदे नूं अल्लाह दे अज़ाब दियां बातां सुनाइयां जांदियां ने ना, ते इहदी रूह कबज़ नहीं हुंदी, इहदे जिस्म विच छुपदी फिरदी है। बड़ी सख्ती दे नाल अल्लाह दे फरिश्ते दी रूह नूं कबज़ करदे ने। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये बड़ा रोंदा है, कर लांदा है, हाय गाए ते वाए वाए करदा गए, ये बड़े बैन पांदा है पर इहदा रोना कम नहीं आंदा। बड़ी सख्ती दे नाल इहदी रूह नूं कबज़ कर लिया जांदा है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने मिसालां दे करके समझाया कि मोमन बंदे दी रूह केड़ी आसानी नाल निकलदी है, ते काफिर बंदा बेईमान बंदा इहदी रूह किवें सख्ती नाल निकलदी है। फरमाया कि जिवें इक मशकी दा पानी दा लटकाया होए, उहदे विचों पानी दा कतरा बड़ी आसानी दे नाल बड़ी शाइस्तगी दे नाल फौरन पानी दा कतरा जमीन ते गिर जांदा है। फरमाया एवें मोमन बंदे दी रूह आसानी नाल कबज़ हो जांदी है, पर जिहड़ा काफिर बंदा अल्लाह दा ना फरमान ते बागी बंदा है, इहदी रूह इवें कबज़ हुंदी है कि जिवें गिल्ली रूह अंदर कोई सीख डाली होए, ते जनाब गिल्ली रूह विचों सीख कढ़ी जाए ते रूह कढ़दियां कढ़दियां सलाई कढ़दियां कढ़दियां सीख कढ़दियां कढ़दियां ना उस रूई दे ज़र्रात इस सीख दे नाल लगे रह जांदे ने ना। फरमाया एवें सख्ती दे नाल बड़ी शिद्दत ते तकलीफ दे नाल इस अल्लाह दे बागी बंदे दी रूह नूं कबज़ कीता जांदा है। अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह, फिर सुनना ते दिल ते खतरा करके सुनना। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस ना फरमान बंदे दी रूह कबज़ होण दी देर जमीन ते बदबू ही बदबू फैल जांदी है, जमीन ते तापन फैल जांदा है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ते इहदी रूह नूं उस गंदे जहन्नमी बदबूदार टाट अंदर लपेट करके आसमाना वल्ले दी रूह नूं लजाया जांदा है, ते फरिश्तियां दा अल्लाहु अकबर की अंदाज हुंदा है। शायर कहंदा है कि तरफ आसमान ले जावण इसनों ते कहन फरिश्ते सारे ए कौन आया बदबख्त कमीना जिसने गंद उबारे। मेरे वीरो जमीन ते भी बदबू ते आसमाना ते भी बदबू फैल जांदी है। पहले आसमान ते जा करके दरवाजा खटखटाया जांदा है, मेरे वीरो इस काफर बंदे दी रूह वास्ते आसमान दा दरवाजा नहीं खोलिया जांदा।
आसमान दे दरवाजे बंद ने, सुनो मरने के बाद क्या होगा। अल्लाह करीम ना कुरान ते बोल दाए फरमाया अल्लाह तो फत्ता लहुम अबवाब समा हत जल जमल फी सम्मिल खियात। फरमाया एवजियां गंदियां रूहां वास्ते कदी भी आसमान का दरवाजा नहीं खोलिया जाएगा, उदों तक दरवाजा नहीं खोलिया जाएगा जदों तक ऊंट का बच्चा सूई दे नके विचों ना गुजर जावे। अस्तगफुरुल्लाह मेरे भाइयों, सुई दा नका, अल्लाह अकबर, धागा, अनाड़ी बंदा धागा पाण लगे ना धागा, उहदे कोलो सुई दे नके अंदर धागा नहीं पैंदा, ते ऊंट दा बच्चा ये किवें नके अंदरों गुजरेगा। क्या मतलब, क्या माना कि लोगो ना ते सुई दे नके विचों ऊंट दा बच्चा गुजरेगा ते ना ए ओ जे गंदियां रूमां वास्ते आसमान दे दरवाजे खोले जाणगे। ते मेरे महबूब अलैहि सलाम ने फरमाया इहदी गंदी रूह नूं जमीन ते भेज दिता जांदा है, सत्तां जमीना हेठ सिज्जी न। अल्लाह ने एक कैद खाना बना या काफरां दियां रूहां वास्ते कैद खाना बनाया, सत्तां जमीना हेठ सिज्जी नंदर इहदी रूह नूं छड़ दिता जांदा है। अस्तगफिरुल्लाह माज़ अल्लाह। हुण मेरे वीरियो रूह कब्ज़ हो जाने तो बाद इह जिहड़े बंदे ने कपड़े सिलाए बड़े अच्छे तरीके दे नाल, बड़े चावां नाल, बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहने ने नाल, इह मौत आण दी देर है कि जनाब दहलाण वाले फट्टे ते लटा करके कैंची दे नाल कपड़े फाड़ करके उतारे जाणगे। मेरी रूहानी मां ते भैण ऐ जिहड़ियां हत्थां विच चूड़ियां बड़े शौक नाल पहनियां ने, ए जनाब तेनूं ने लांदियां होयां तेरे मरने तो बाद डंडे मार मार के ए तेरियां चूड़ियां भी तोड़ दित्तियां जाणगियां। नहला करके, दुला करके, नफीस कपड़े उतार करके जनाब एवें थप्पा सारा कला टाकियां दा जनाब सफेद रंग दियां दो तीन चादरां इहदे अंदर तैनूं कफन दे दिता जाएगा। और कफन दे करके जदों तेरी मैयत उठाई जाती है कब्रस्तान की तरफ लजाई जाती है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जदों मैयत घरों उठाई जाती है जनाब घर तो लै करके कब्र तक बंदे नाल तीन चीजा कबर तक जांदियां ने नाल, एक बंदे दा माल ए मंजी ते बिस्तर ते चादर वगैरह नूं बंदे दा माल क्या गया है, ये माल कबर तक जांदा है। एक बंदे दे रिश्तेदार अजीजो कारब भैणा भाई औलाद कबर तक जांदी है, तीजा बंदे दा जिंदगी दा कमाया होया अमल कबर तक जांदा है। मेरे महबूब ने फरमाया लोगो पहलियां दो चीजां बंदे दे रिश्तेदार अजीजो अकारब दोस्त अहबाब ए जनाब औलाद जिन्हों बड़े चावां नाल पालिया है ये भी मट्टी अंदर दफन करके वापस आ जाणगे। अल्लाहु अकबर, माल भी वापस आ जाएगा ते कबर अंदर बंदे दे नाल जाएगा ते बंदे दा अमाल नामा ही जाएगा। जो इत्थे अमल कमाया होएगा, जो नेकियां कीतियां होणगियां, जो बुराइयां कीतियां होणगियां, जो लोगां दा हक मारिया होएगा, नजायज माल खादा होएगा। अल्लाहु अकबर अल्लाह। वीर अज असीं माल खाण लगे, नजायज माल खाण लगे, अल्लाहु अकबर, नजायज माल गड़प करन लगे, असीं जर्रा बराबर भी नहीं सोचदे कि ये माल मेरे नाल कबर अंदर नहीं जाएगा। अपनियां भैणां दे हिस्से मार दिया होया कदी नहीं सोचिया ये माल मेरे नाल कबर तक नहीं जाएगा। अपने भाइयां दे हिस्से दबांदिया होया कदी गौर फिकर नहीं कीता ये माल ते मेरे नाल कबर तक नहीं जाएगा, कबर विच नहीं जाएगा, मेरे नाल जाएगा ते मेरा अमल जाएगा। वीरो मेरा तेरा अमल नामा ही मेरे तेरे नाल कबर अंदर जाएगा। सुभान अल्लाह। हुण
मेरे वीरो जरा नोट करना, तवज्जो करना, जरा मामले की नजाकत ते नोट करना। बंदे नू नहला दिला करके सफेद रंग दा लठे दा लिबास यानी कफन पहना करके बंदे नू कब्रस्तान अंदर ले आंदा जांदा गए। अल्लाह अकबर, कब्र अंदर मना मट्टी गेट, इस जनाब सफेद रंग दे लिबास वाले नू कब्र अंदर दाखिल कर दिता जांदा गए, इनू मट्टी अंदर दाखिल कर दिता जांदा गए। ते ज़बाने खाल नाल इसे शायर ने नक्शा इवें खिंचया गए कि किसी के मुंह से ना निकला मेरे दफन के वक्त, इन पे खाक ना डालो ये नहाए हुए है। मेरे वीरो पल विच ज़माना बदल गया है, और जनाब मना मट्टी हेड़ पा दिता जांदा है, इते जनाब भाई मट्टी पा रहे ने, किते जनाब बाप मट्टी पा रहा है, किते बेटा बाप दी कबर ते मट्टी पांदा पिया है, किते जान नालों प्यारे दोस्त मट्टी पांदे पे ने। ते मट्टी पान दी देरे मट्टी बराबर होई है, ते सारे रुख मोड़ के मुड़ पैंदे ने, कोई कबर ते बैठ के गाल अखवाल नहीं वड़ांदा, कोई किसे किस्म दियां गल्लां बातां नहीं हुंदियां। मट्टी दे सपुर्द करके इवें रुख मोड़ करके सारे ही वापस आ जांदे ने नाल। अल्लाह अकबर, ते शायर ज़बाने गाल नाल कहिंदा है, कहिंदा के मट्टी में दबा कर चल दिए ना दुआ ना सलाम। मेरे वीरो मरने के बाद क्या होगा, मरने के बाद मेरे तेरे नाल की होएगा। ओ भाई जेड़े जान छावर करन वाले, जेड़े वालदैन, जेड़े औलाद, अल्लाह अकबर जर्रा बराबर भी आंच ना ध्यान देन वाले, ये सारे कब्र अंदर दफन करके रुख परत करके वापस आ जाएंगे। ते मट्टी में दबा कर चल दिए ना दुआ ना सलाम। पता नहीं पल भर में क्या हो गया जमाने को। अल्लाह अकबर, अल्लाह मरने के बाद क्या होगा, मेरे वीरों कब्र अंदर जान दी देरे। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हर आन वाली मैयत नाल कब्र उहदा इस्तकबाल कर दिए, कब्र उहनू एक वारी घुट दिए, कब्र उहनू जप्पी पांदी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। मेरे तेरे महबूब प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जेड़ा मोमिन बंदा जो कबर अंदर जांदा है, मंजरे पेश कीता जांदा है कि जिवें सूरज गरूब हो रहा है, अल्लाह दे मुकर्रर करदा फरिश्ते आ करके जो इस मोमिन बंदे नू बिदार कर लेंदे ने, कबर अंदर बिठा लेंदे ने, मोमिन वेखदा है कि सूरज गरूब पिया हुंदा है, ए फौरन फरिश्तियां नू कहंदा मैनू छड़ देवो, मेरी असर दी नमाज फौत हो रही है, मैनू असर दी नमाज पढ़ लैण देवो। ये मोमन बंदा, मोमन कबर अंदर भी अपनी नमाज दी फिकर करेगा। फरिश्ते कहणगे नमाज़ां दा वेला लंघ गया ई, हुण असीं तेरे कोलो जो सवाल करन लगे हां इन्हां सवालां दे जवाब दे। हुण मोमन बंदे कोलों पुछया जांदा है, मर रब्बू का तेरा रब कौन है, ये फौरन कहंदा है रब्बी अल्लाह। दूजा सवाल, मन नबीओ का तेरा नबी कौन है, मोमन बंदा फौरन नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीजा सवाल, मां दीनों का तेरा दीन केड़ा गए, ये फौरन कहंदा है दीनी अल इस्लाम। ओ मेरे वीर, ओ मोमन बंदा जड़ा सारी जिंदगी अल्लाह ते रसूल दे दीन दी मन के जिंदगी गुजारन वाला है, ये कबर अंदर ना अल्लाह नु भुलेगा,
भुलेगा, ना अपने नबी नूं भुलेगा, ना दीन नूं भुलेगा। फिर प्यारे नबी दा कबर अंदर तसव्वुर पेश करके पूछा जाएगा, इहदे बारे तेरा की ख्याल है? मोमन बंदा फौरन कहेगा, ये ते मेरे नबी जनाबे मुहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो मोमिन बंदा एनिया गल्लां करेगा, आसमाना तो आवाज आ जाएगी, अल्लाह कहणगे मेरे फरिश्ते ओ, ए मेरे बंदे ने सच किया है, लिहाजा इंज करो मेरे बंदे वास्ते जन्नत दे बिस्तर दा इंतजाम कर देवो, एदा दुनिया दा लिबास उतार करके इनू जन्नत दा लिबास पहना देवो। सुभान अल्लाह, जन्नती बिस्तर आ जाएगा, जन्नती लिबास आ जाएगा। मोमिन बंदे ओ मोमिन बंदे, वाह तेरिया केड़िया शाना है, अल्लाह ने तेनू केड़े प्रोटोकॉल अता फरमाए ने। फिर मेरे नबी ने फरमाया, एदी कब्र वल जन्नत दी तरफों एक खिड़की खोल दिती जांदी है, के कयामत तक वास्ते जन्नत दियां इतरां भरियां खवावां, जन्नत दियां ठंडियां खवावां, इस मोमन दी कबर तक पहुंचाने दा इंतजाम कर दिता जांदा। कहना हुण मोमन बड़ा ही खुश होंदा है, कहिंदा फरिश्ते ओ मैनूं इजाजत देवो, मैं अपने घर वालियां नूं जाके दसां अल्लाह ने मेरा केड़ा इकराम कीता है, अल्लाह ने मेरिया केड़िया इज्जत कीतिया ने। ना फरिश्ते कहणगे, ना ना हुण ते वापस जाण दा वेला मुक गया है, लियादा नाम का नौमत लोरोस, हुण सो जा कबर अंदर सो जा, इंज बेफिक्र हो करके सो जा के जिवें पहली रात दी दुल्हन हर चीज तो बेफिक्र होया करके सोया कर दी है। ये ते मोमन बंदे दा इकराम है। ना मेरे वीर माजरत नाल चंद मिनट मैं तुहाड़े उपर लेना चाहना, टाइम खत्म हो गया है ना, मगर असल बातां बकाया ने ना। जड़ा अल्लाह दा ना फरमान बंदा, अल्लाह दा बागी, अल्लाह दियां हुक्म दुनिया करन वाला बंदा, जदों कबर दे अंदर फरिश्ते आ करके नूं बिठांदे ने, मेरे नबी ने फरमाया नीलियां पीलियां खां वाले। हुण अल्लाह दे बागी बंदे नूं जदों उठाया जांदा है, इह ते फरिश्तियां वल वेख करके ही घबरा जांदा है, ये ते परेशान हो जांदा है। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह। हुण फरिश्ते दे कोलों जवाब पुछते ने, मर रब्बू का, तेरा रब कौन है? ये कहंदा है हा गादरी, मैनू ते पता ही नहीं रब कौन है। रब केनू कहंदे ने? मन नबियो का, तेरा नबी कौन है? ये कहंदा है हा गादरी, मैनू पता ही नहीं कौन मेरा नबी है। मां दीनू का हा गादरी, मैनू पता ही नहीं मेरा दीन खेड़ा है। और यारो किवें दसे, कदी जिंदगी अंदर अल्लाह दी मन्नी होए ते तां दसे, अल्लाह दे रसूल दी मन्नी होए ते तां दसे, कदी दीन दे मुताबक जिंदगी गुजारी होए ते तां दसे। प्यारे नबी दा तसव्वुर पेश हुंदा है, ते उदों वी कहिंदा है आगा लादरी, मैनू कुछ नहीं पता रब केनू कहिंदे ने, मैनू कुछ नहीं पता। अल्लाह दी तरफों वाद आंदी है फरिश्ते हो, ये झूठा बंदा है, कज़्ज़ाब बंदा है, लिहाजा इहदे वास्ते जहन्नमी बिस्तर दा इंतजाम कर देवो, जहन्नम दा लिबास पहना देवो, और इहदी कबर विच जहन्नम दी तरफों एक खिड़की खोल देवो, के कयामत तक जहन्नम दियां गरम खमावां, जहन्नम दी अग दियां लूआं इहदे कबर तक पहुंचाने दा इंतजाम कर देवो। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और मेरे वीर रज़ापाती इत्थे ही बस नहीं होएगी, बल्कि मेरे नबी ने फरमाया इस बेईमान बंदे वास्ते फिर कबर नूं तंग कर दिता जाएगा, कबर गुटे की शकंजा देवेगी। मेरे नबी ने फरमाया कि एवो जिहा शकंजा कबर देवेगी कि दाएं पासे दियां पसलियां बाएं पासे, बाएं पासे दियां पसलियां दाएं पासे आ जाणगियां, इहदियां हड्डियां चकलां चूर हो जाणगियां। मेरे पैगंबर ने फरमाया कि ये आवाज
आवाज़ा मारेगा चीखा मारेगा। कायनात अंदर अल्लाह दे प्यारे नबी ने फरमाया इंसाना ते जिन्ना तो इलावा कायनात दी हर मखलूक दी इस चीखो पुकार नू सुन दिए अस्तगफिरुल्लाह माज़ अल्लाह वीरियो कबर नू तंग कर दिता जाएगा। फिर इत्थे ही बस नहीं अल्लाह दे प्यारे नबी ने फरमाया लायो सल्लतु अलैही अल्लाह दी कबर ते फिर 99 सप मुसल्लत कर देंगे अस्तगफिरुल्लाह। ओ वीरे ओ सप एहो जे जहरीले होणगे मेरे नबी ने फरमाया अगर इस कबर दे सप्पां दे विचों कोई सप जमीन वल्ले मुंह करके फूंक मार देवे जमीन सारी सड़ जाए जमीन अपना सब्जा उगाना बंद कर देवे एहो जे जहरीले सप होणगे। प्यारे नबी ने फरमाया इस बंदे दी बेईमान ना फरमान काफर बंदे दी कबर ते 99 सप मुसल्लत कर दिते जाणगे जेड़े कबर तक इनू नोचते रहणगे कब क्यामत तक इनू नोचते रहणगे क्यामत तक इनू डंग मारते रहणगे। अल्लाहु अकबर अल्लाह इसे शायर ने मुखातब करके लिखे आए ना कभी सोचा भी कभी तूने सोचा भी कभी तूने क्या हाल तेरा होगा जब कब्र में जाएगा जब हशर बपा होगा। वाखिरु दावा।